नमस्कार, मैं हिमांशु और आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। अभी हम मौजूद हैं टाउन पार्क में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति और वृद्ध महिलाएं व्यायाम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं और इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो बताएं आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र है 76 ईयर्स। 76 साल बाद भी आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है सर। ये योगा का कमाल है, ये योग करते हैं सारे। और मैं तो सन 1988 से आज समझ लो 33 साल हो गए, 33 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इसार में प्राय जो है मेरे द्वारा ही सिखाए हुए आपको मिलेंगे ज़्यादातर। हाँ, तो इस कारण जो है ना, ये स्वास्थ्य कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा बेटा आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो राज में पाशा, छठा हो विदेश में वासा। और सातवां संतोषी जीवन। ये संतोष अगर मिल जाता है तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये आपको अच्छी उम्र वाले ही आपको दिखाई देंगे ज़्यादा, क्योंकि बुजुर्गों के लिए शाम का टाइम है ये। आराम के साथ हम 2000 से यहाँ पे कर रहे हैं, आज हो गए 21 साल हो गए यहाँ पे करते हुए। जब से ये पार्क बना है ना, तभी से ही चालू है। शाम की क्लास होती है और सुबह में, वैसे तो मॉडर्नो योग मंदिर है वहाँ करवाया करता था और 25-26 साल तक करवाया वहाँ पे। बाकी शाम की ये हमारी जो है ना, ये चलती ही रहती है, लगातार चलती है। और यहाँ पे निशुल्क होता है सब कुछ, कोई पैसा नहीं लेते किसी से भी। और मेरे ख्याल में तो जो है ना, सारे के सारे जितने जुड़े हुए हैं ना, सारे ही आपको स्वस्थ मिलेंगे, ठीक मिलेंगे, हर तरह से खुश मिजाज मिलेंगे। एक तो योगा करने से पहले 1 घंटा पहले तैयारी होती है यहाँ आने की, उसके 1-1.5 घंटा का हम ये योगा यहाँ करते हैं। इसके पश्चात 1-1.5 घंटे की वाइब्रेशन इसकी बनी रहती है, तो इससे आदमी जो है ना, रात को नींद भी अच्छी आती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है और निडोर रहता है। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ भी देखो आप, ये जितना ये आपका कोरोना का समय चला है तो भी शाम की क्लास यहाँ चलती रही है और सारे के सारे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी किस्म की, कोई खांसी की नहीं, कोई ज़ुकाम की नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सभी बिल्कुल स्वस्थ है यहाँ पे। सर, जैसे कि हमारा एक नारा है, करो योग रहो निरोग। हाँ, तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी कहा था गीता के अंदर कि योग कर्मशु कौशलम, तो कुशलतापूर्वक अगर योग करते रहते हो तो आपको किसी प्रकार की भी कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। मन रोग भी कई किस्म, मानसिक रोग भी है, शारीरिक रोग भी है, हर किस्म के रोग। तो शारीरिक तो होता ही होता है और मानसिकता भी संभलती है इससे, और मानसिक रोग भी नहीं होते इससे। तो ये नमस्कार। आज आप अपनी उम्र बताइए। मेरी 72 ईयर्स है। 72 साल हूँ। हाँ जी, 72 साल। तो यहाँ 2000 से जुड़े हुए हैं और बड़ा स्वास्थ्य ठीक रहता है बिल्कुल जो है। मैंने तो देखा है आप व्यायाम के साथ साथ भजन भी कर रहे हो। हाँ, और ताली के अंदर जो है ना यूज करते हैं, धार्मिक जो भी है ना, बड़ी अच्छी ताली मतलब उससे बजती है। तो रोज़ाना जैसे आज मंगलवार था तो हनुमान जी का भजन था, है इस तरह से हर डे जो है शिव जी का दिन हो तो शिव जी महाराज का भजन होता है। तो बड़ा अच्छा मतलब टाइम जो है, 1 घंटा पता ही नहीं लगता, इतना अच्छा मतलब। बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, सारा मतलब आपस में दुख सुख की बातें, और क्या बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। 1 घंटा तो बहुत ही अच्छा निकलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका पिक्चर HD मेहता।
हाँ जी सर, मैं ये कहूँगा कि आजकल का जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे की ओर अपना आकर्षित हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे युवा को? युवा को तो ये सीखें, योग से जुड़ें, नशे को छोड़ें, नशे को त्याग दें। आदत बन जाती है फिर घर बाहर भूल जाता है सब, उसको छोड़ना चाहिए युवाओं को, और योग की तरफ जुड़ें, अपना स्वास्थ्य को ठीक रखें। योग करने से वैसे कौन कौन से रोग दूर होते हैं सर? लगभग सारे रोग, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, लगभग सारे। कोई ज़्यादा क्रिटिकल है, हार्ट की किसी को है, तो वो भी यहाँ आकर के ठीक हो जाता है। वैसे आपको यहाँ पे कितने टाइम हो गया योग करते हुए? मेरे को तो मैं 15 साल हो गए रिटायर हुए, उससे पहले भी जाता था मैं, 5-7 साल पहले भी, 21 साल लगभग हो गए योग करते हुए। सैर भी करते हैं, योग भी करते हैं। अच्छा, आपकी टीम से कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर? हमारे लगभग 50-60 हैं, कभी कोई नहीं आता तो अलग बात है, 50-60 कम से कम है। नमस्कार माता। नमस्ते। हाँ जी माता जी, आप क्या संदेश दोगे और महिलाओं को? भाई जो आजकल बीमारियाँ चल रही हैं, इतनी भयानक बीमारी आई कोरोना की आई, उसमें भी डॉक्टरों ने ये बताया कि भाई योग करो, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़े, और उससे उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है योग करने से, क्योंकि यहाँ तो इकट्ठे तो हो नहीं सकते थे, तो घर में ही योग किया उन्होंने और कोरोना को हराया। और भी ये तो कोरोना तो चलो एक टेम्परेरी बीमारी आई, वैसे भी जो घर में रहते हैं हम, अनेक रोगों, जोड़ों का दर्द है, हार्ट का है, और है, कितनी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो वो सारी योग से हमारे जोड़ खुले रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा हमारे को आजमा होता है, सब बातें ठीक लगती हैं हमको योग करने से। नमस्कार मैडम। आप मतलब और लेडीज को क्या संदेश दोगे मैम, जो आपकी एज की है? भी अभी से शुरू कर दो, आगे दिक्कत नहीं आएगी, शरीर सही रहेगा अपना, बस और स्वास्थ्य सही रहता है योगा से। आप मानते हो कि योगा करने से स्वास्थ्य बिल्कुल? जरूर, मेरे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, मैंने स्टार्ट किया, मेरे सही हो गई, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। आप कितने टाइम से योगा कर रहे हो? मैंने पहले 2 साल लगातार किया था, मेरे एलर्जी ठीक हुई, बीच में मैंने छोड़ दिया था, अभी दोबारा स्टार्ट किया है लॉकडाउन के बाद में। और आजकल सबसे ज़्यादा एक बात मैंने ये देखी है कि है ना, जो मतलब ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं योगा ना करने के, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जिम में एक बार तो फ़र्क पड़ जाता है, उसके बाद फिर वापस छोड़ दो तो वापस सुना है भी वैसे ही हो जाते हैं दोबारा। और योगा करने से? योगा कंटिन्यू करते रहो, सही है, घर पे भी कर लो, यहाँ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने इनसे अभी बात की है कि इनका कहना है कि योग करने से छोटी से क्या बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ व्यायाम करने की जरूरत होगी। जैसे कि हमारे देश में एक नारा भी है कि करो योग रहो निरोग, मेरी आज के युवा से भी अपील है, अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से कुछ समय योगा को भी दीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप निरोग रहेंगे और अपना काम बखूबी से कर पाएंगे। और मैं अगली खबर के साथ फिर मिलता हूँ। नमस्कार।